नौवीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, तुहानू पेपर के पैटर्न बारे तो पता लग ही चुका है। तुहानू सब तो पहला 32 सवाल बैठा एक नंबर वाले आने ने, इस करके तुहानू मैं पहले चैप्टर दे एक एक नंबर वाले सवाल कराने की कोशिश कर रहा। ध्यान दिखना है तुहाडी वर्कशीट 16 जिहड़ी है वो पहले चैप्टर के वन वन मार्क के क्वेश्चन नाल बनी हुई है। पहला क्वेश्चन है, एक गैर सिफर परिमेय संख्या अते एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। गैर सिफर का मतलब जीरो नहीं लै सकते, जीरो तो अलावा कोई भी नंबर लै लीए तो एक अपरिमेय संख्या लीए तो उन्होंने गुणा करिए, जिमें कि एक दो नंबर आप किसी वर्गमूल पांच नाल गुणा करते हैं तो साडा आंसर दो वर्गमूल पांच ही आ जाता है, गुणा नहीं हो सकती ना। तो अपरिमेय संख्या का गुणा करन नाल अपरिमेय संख्या वापस ही आ जाती है, इस करके हमेशा अपरिमेय होएगा। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। याद रखना है नॉन जीरो बहुत जरूरी है, ठीक है। इस करके याद रखना है कि जो भी किसी नॉन जीरो रैशनल नाल इरेशनल मल्टीप्लाई करिए तो इरेशनल ही वापस आ जाता है, परिमेय अपरिमेय गुणा करिए तो अपरिमेय ही आ जाता है। संख्या दिस द परिमेयकृत रूप है, रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ द नंबर दिस। हम सारे नूं पता है कि एक बटा वर्गमूल पांच जमा वर्गमूल दोनों जब असी परिमेयकरण करते हैं तो थलड़ी रकम सेम लिखनी होती है बट विचकार प्लस की थान आ जाता है माइनस, उपर भी सेम रकम तो थले भी से। इस तरह असी परिमेयकरण करते हैं तो तुसी देख सकते हो उपरली रकम तो सेम ही आ जाती है वर्गमूल पांच माइनस वर्गमूल दो, पर थलड़ी रकम के लगता है फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होंगे है ए की घात दो माइनस बी की घात दो, घात दो नाल वर्गमूल कटिया गया पांच दो गए तीन, यदा मतलब वर्गमूल पांच माइनस दो बटा तीन। देखो आ रहा थोड़ा आंसर सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर आ गया है, क्लियर उम्मीद कर रहा समझ आ रही होगी। तीजा क्वेश्चन, 35/100 का दशमलव रूप द डेसिमल फॉर्म ऑफ 35/100 दो दे पिछे पॉइंट लगना है, मतलब पांच ते तीन दो पिछे पॉइंट, ये थोड़ा आंसर आ गया 0.35 सी ऑप्शन। चौथा सवाल देखो, एक बटा वर्गमूल 7 है तुहाडे कोल, हर का परिमेयकरण करने से सानू की प्राप्त होंदा है थ्योरेटिकल, जदों एक बटा वर्गमूल 7 का परिमेयकरण किया तो असी वर्गमूल 7 नाल उपर गुणा करते हैं वर्गमूल 7 ही थले गुणा करते हैं, वर्गमूल 7 नूं एक नाल किया वर्गमूल 7 ते वर्गमूल 7 मिलकर बन जाते हैं 7, तो इस तरह तुहाडा सी ऑप्शन आंसर आ गया है। उम्मीद कर रहा तुहानूं समझ आ रही होगी किस तरह परिमेयकरण के क्वेश्चन नूं असी हल कर रहे हैं। 64/2 ध्यान देखना है, 64/2 जी है थोड़ी ध्यान देखियो, 64 के उपर 1/2 है, मिसप्रिंटिंग है लिखते वेले गलत होया है, 64 की घात है 1/2, तो सानू पता है कि 8 की घात 2 होंदा है 64, 64 नूं असीं की लिख सकते हैं 8 × 8 = 64, 2 घात नाल 2 घात कट्टी गई तो साडा आंसर कितना बच गया है 8, तो ये ऑप्शन साडा सही आंसर होएगा। छेवा सवाल देखो, इतने लिखे 3/3, ध्यान रखना है 3/7 का घात अंकी रूप की होंगे है, 7 × 7 जो वर्गमूल के अंदर है वह 7 × 1/3, जे इधर कुछ ना लिखा होंगे बाहर 3 ना लिखा होंगे तो फिर 1/2, जे 3 लिखा तो 1/3, 4 लिखा तो 1/4, इस तरह साडा सी ऑप्शन सही आंसर आ गया है। 7वां क्वेश्चन देखो, हेठां दित्ते कथनों विचों किहड़ा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हरेक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होंदी है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं बेटा क्योंकि होल नंबर दे कोल एक जीरो नंबर हुंदा है जिहड़ा कि प्राकृतिक संख्या कोल नहीं हुंदा, तो ये तो गलत हो गई, उन्हें कहा सी किहड़ी ट्रू है, इहदा मतलब यह गलत है। एवरी संपूर्ण, हर एक संपूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, कहता एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं बेटा क्योंकि इंटीजर्स दे कोल माइनस दी रकम भी होंदिया ने लेकिन होल नंबर दे कोल माइनस दी रकम नहीं होंदिया, ये भी गलत है। अगे चलते हैं, हर एक परिमेय संख्या एक संपूर्ण संख्या होंदी है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं बेटा रैशनल नंबर ज परिमेय संख्या विच बटे वाली रकम होंदिया ने लेकिन बटे वाली रकम जी इंटीजर्स दे कोल नहीं होंदिया, इस करके ये भी गलत है। एवरी इंटीजर रैशनल नंबर, बिल्कुल सही, संपूर्ण संख्यावां नूं परिमेय संख्या कहा जा सकता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आई गल समझ, एक होर तरीके नाल तुहानूं दसण दी कोशिश करूँगा, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि ध्यान नाल देखो, नैचुरल नंबर,
होल नंबर, इंटीजर, रैशनल। हूँ देखो, होल नंबर इज़ अ नेचुरल, उपरों थले आओगे तो ट्रू, थलो उपर जाओगे तो फॉल्स। इस गल का ध्यान रखना, ये समझाया ना तुहानू। हूँ देखो, होल तो नैचुरल जा रहे हो, होल तो नैचुरल नीचे उपर जा रहे हो तो फॉल्स है। इंटीजर तो होल, इंटीजर तो होल नीचे तो उपर जा रहे हो, फॉल्स है। रैशनल टू इंटीजर, रैशनल टू इंटीजर नीचे से उपर जा रहे हो, फॉल्स है। इंटीजर टू रैशनल, इंटीजर जो है उपरों थले आ गए, इस करके ट्रू है। ये भी बहुत सौखा तरीका है। अठवां क्वेश्चन देखो, एक बटा ए जमा वर्गमूल बी दे हर का परिमेयीकरण करने लिए असी इस नू गुणा करांगे। गुणा कैसे करते हैं, तुम दस्या सीगा, एक बटा ए जमा वर्गमूल बी नू गुणा करांगे, ए माइनस वर्गमूल बी ते ए माइनस वर्गमूल बी, इहदे नाल गुणा कीती ना आपां। बिल्कुल सही ऑप्शन, डी ऑप्शन तुहाडे सामने बिल्कुल है। वर्गमूल तीन ते वर्गमूल पंज दे विचकार परिमेय संख्यावां दी गिनती, द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन रूट थ्री एंड रूट फाइव। बेटा रूट थ्री एंड रूट फाइव के विचकार किन्ने परिमेय संख्यावां, बेटा दो संख्यावां दे विचकार अनगणित परिमेय संख्यावां हो सकदियां ने, इस गल का ध्यान रखना है। इनफाइनाइट मैनी। हेठ दित्तियां विचों एन की किस कीमत लई वर्गमूल एन एक परिमेय संख्या है, द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच वर्गमूल बी आ रैशनल नंबर। हुण तुसीं दसो वर्गमूल एन मतलब दो रखोगे तो वर्गमूल दो नहीं टुटता, वर्गमूल चार टुट जाता है तो रैशनल हो गया ना, फिर ना वर्गमूल तीन टुटता ना ही वर्गमूल पांच। इहदा मतलब चार जे भरीए एन की थान पर वो वर्गमूल परिमेय संख्या मतलब टुट जाएगा। जेकर वर्गमूल दस 3.1686 तो एक बटा वर्गमूल दस का मुल की होगा, ध्यान देखो बेटा, तो एक बटा वर्गमूल दस नाम परिमेयीकरण कर लीए, वर्गमूल दस नाल उपर भी गुणा, वर्गमूल दस नाल नीचे भी गुणा, तो आ गया वर्गमूल दस बटा दस। ठीक है बेटा, हूँ वर्गमूल दस की वैल्यू असी पता की है 3.162, तो थले भी दस है तो दशमलव एक, जो भी भाग करनी होती दशमलव पिछे ना यदा मतलब 3.162 आंसर होना चाहिए है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। सब तो पहला याद रखो, पहला यदा प्रिमेयीकरण किया गया, प्रिमेयीकरण करने तो बाद वर्गमूल दस की वैल्यू पुट की है, पहला नहीं की बेटा। हूँ बारवां सवाल करांगे, किसी प्रिमेय संख्या नू पी बटा क्यू के रूप में दर्शाउण लई जरूरी शर्त केड़ी है, वट इज़ द कंडीशन फॉर विच पी बाय क्यू रिप्रजेंट अ रैशनल नंबर। सारा नू पता है कि पी बटा क्यू इज़ अ रैशनल नंबर वेयर क्यू इज़ नॉन जीरो, दस्या है ना क्यू कदे भी जीरो नहीं हो सकता, यदा मतलब पहला ही ऑप्शन तुहाडा बिल्कुल सही ऑप्शन होएगा। तेरहवां सवाल, हेठ लिखियां विचों असी किसनू परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीप्रजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। तुहानू मैं हुणे दस्या, देखो नैचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फिर रैशनल आऊगा। हूँ देखो प्रकृतिक संख्या मतलब नैचुरल नंबर नूं आपां इंटीज परिमेय संख्या रैशनल बोल सकते हैं, उपरों थले आ ट्रू, होल नंबर तो थले आ गए ये भी ट्रू, इंटीजर तो थले आवेंगे ये भी ट्रू, यदा मतलब तिने सही है, ऑल ऑफ द अबव, सारिया नूं असीं परिमेय संख्यावां कह सकते हैं। हेठ लिखिया विचों केड़ी एक अपरिमेय संख्या है, मैं तुहानूं दस्या सी बेटा अपरिमेय संख्या वह संख्या होंदी है जिहदा वर्गमूल नहीं टुटदा। सब तो पहला 2.125 दे अगे भाग खत्म हो गई ना, तो यह परिमेय है, बार वाली संख्या हमेशा परिमेय होंदी है, 225 15 × 15 कहने तो यदा वर्गमूल टुट जाएगा 15 आ जाएगा, ये भी नहीं है। पाई, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होंदी है, याद रखना है पाई इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। परिमेय संख्यावां दा दशमलव विस्तार की हो जिहा हुंदा है, शांतवर्ती, अशांत, अशांतवर्ती, शांत, अशांत, अनावर्ती, शांत अते अशांतवर्ती। बिल्कुल सही, टर्मिनेटिंग ते नॉन टर्मिनेटिंग कुछ भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है ते अशांत भी हो सकता है। परिमेय संख्यावां दा दशमलव विस्तार विच वट इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, याद रखो कोई भी रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है ते नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, इस करके डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 0.235 दे बार दा रूप मैं तुहानूं दस्सिया सी किस तरीके नाल कढ़ना है, पूरी रकम है 235, पूरी रकम कितनी है 235, माइनस की करना है दे विच्चों जेड़ी रकम नू बार लगी है उन्हें छट के बाकी रकम, 0.0 तो बाद जिन्ने भी अखर ने बार वाले उन्ने 9, तो की आंसर आया 235/999 आंसर। क
ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਮੇਯ ਬਣ ਗਈ। 25 ਦਾ 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਮੇਯ ਬਣ ਗਈ। 23 ਕੱਟੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਮੇਯ ਬਣ ਗਏ। ਆਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਰਿਮੇਯ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਟੋਟੂ ਗਾ ਨਹੀਂ। ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਜ ਇਰੈਸ਼ਨਲ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ 225 ਵੀ 15 ਗੁਣਾ 15 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 23 ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। 32 ਦੀ ਘਾਤ ਬਟਾ 2/5 ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ 32 ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੁਣਨਖੰਡ। 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 32 ਆਇਆ 16 'ਤੇ, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 16 ਆਇਆ 8 'ਤੇ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 8 ਆਇਆ 4 'ਤੇ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 4 ਆਇਆ 2 'ਤੇ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 2 ਆਇਆ 1 'ਤੇ। 1 2 3 4 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। 32 ਦੀ ਘਾਤ 1/2/5, 32 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ 5, 1 2 3 4 5 ਨਾਲ ਘਾਤ 32 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਸੀ 2/5, 5 5 ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬੇਟਾ, 32 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਾਤਅੰਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 32 ਨੂੰ ਘਾਤਅੰਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ 32 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਾਤ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 5 5 ਕੱਟੇ ਗਏ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2, 4 ਆ ਗਿਆ ਵਰਗਮੂਲ 5। 1 ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 7 ਵੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਾਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। 2 ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਮਾਈਨਸ 3, ਅਤੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 2/1 ਨੂੰ 1/2 ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1/2 ਗੁਣਾ 1/2 ਗੁਣਾ 1/2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/8, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 21 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਸੀਂ 1-1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 21 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਣ।